हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? और सुनाए, कैसी गुजर रही है छुट्टियां? कैसी गुजर रही है? मेरा ख्याल है कि छुटियां खत्म होने वाली हैं। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं दोबारा से लॉरा क्रॉफ्ट, और लॉरा क्रॉफ्ट का मैं आपको एक नया वर्जन दिखाने वाला हूं, ठीक है, जिसे देख के आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं भी खेल रहा था, ठीक है, मैंने थोड़ा सा चेक किया और फिर मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने सोचा यार क्यों ना एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए। बट पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब कर दें। ये वाली एपिसोड भी बहुत मजे की होगी और बहुत प्यारी सी, छोटी सी, मुन्नी सी, बड़ी खूबसूरत सी होगी। तो चलो चल के देखते हैं क्या होने जा रहा है। सो गाइस, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। चीते ने बहुत मारा था भाई, उससे बहुत फाइट हुई थी, और एक नहीं था वो दो थे, और दो से हमारा डायरेक्ट मुकाबला हो गया था। मैं समझ रहा था कि एक है, उन्होंने चीते को मार के, और ये देखो उसके कपड़े तैयार कर रही है, और अपने लिए, असल में अपने लिए कपड़े तैयार कर रही है, और इसकी बैक में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के जख्म आए हैं। और चलो अब उसको स्किप करते हैं, ठीक है। अब ये पता नहीं क्या बकबक करेंगे, उसको जख्म को हुए में, ठीक है, और उसकी मरम पट्टी करेगा। चल यार आगे चल। ओके, तो अब हम यहाँ पे हैं। तो गाइस ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि लॉरा क्रॉफ्ट अपने बचपन में चली गई है। ये अब फिर फ्लैशबैक में चले गए हैं। Somehow I think वो सो गई है। In a minute, Dad. I think वो सोई है और उसके बाद वो ख्वाब देख रही है। और ये लॉरा क्रॉफ्ट का मेंशन है। और चल के चेक करते हैं। ये उसका घर है लॉरा क्रॉफ्ट का, और देखो कितनी क्यूट लग रही है छोटी सी। So cute. चलो अब आगे चल के देखते हैं। ओके, तो ये इसके टॉयज हैं। और ये खेलती थी यहाँ पे। चलो हम भी खेलते हैं। ओहो, इसको उठा के रख के दूर फेंकते हैं। नहीं, तो उठाते हैं इसको। ओह, तोड़ देगी चीजें। चलो अभी भागो जरा। अच्छा, ये यहाँ पे अब क्या होगा कि ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे प्रैक्टिस करती थी एक्चुअली जब ये छोटी होती थी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या कुछ है। ये क्या चीज़ है? The White Queen. White Queen. Locked away, but not forgotten. असल में अब इसने ये अपने पास से ना अज्यूम करती रहती है चीज़ें, और यू नो जिस तरह मैं वहाँ पे जाऊँगी, मैं ये करूँगी, अब वहाँ पे ये होगा और ये इस तरीके से होगा। ये खुद से बना लेती थी, छोटी अकेली होती थी और खेलती रहती थी अकेले। तो चलो और इसकी हेल्प करते हैं। ये क्या करना चाह रही है? ये क्या चीज़ है? कुछ चीज़ें हमें जरा यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। लेटर टू विंस्टन, अ लेटर फ्रॉम डैड टू विंस्टन। ओके, ओह वाओ, स्किल्स अपग्रेड हो गए मेरे। अच्छा ठीक है, हम यहाँ प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमारे स्किल्स जो से अपग्रेड होते रहेंगे। चलो भी तेज से भाग। वो देख लिए लारा लारा इसको उठा के। क्या? चलो जी, ये भी इसकी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। और बस भैया, हमने नहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। हमारा मिशन क्या है? हमें वहाँ पे जाना है। ओके, असल में एक वाइट क्वीन है, इसने उसको आज़ाद कराने का प्लान किया है, अपने पास से सोच लिया है। और अब देखते हैं कि व्हाइट कहाँ पर है। ये मुझे सीढ़ियाँ लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर चढ़ना शुरू हो गया हूँ। और हमें क्यू भी मिला था। और ये हैं लॉरा के फादर। कितनी प्यारी लग रही है। चलो जी, वो फोन पर बातें कर रहा है, और ये इसने अपने मिशन के ऊपर चलती जाएगी, ठीक है। चोरी छुपे पता नहीं लगने देना इसने, कौन से कमरे में कहाँ कुछ चीज छुपाई हुई है, बच्चों को पता होता है। तो चलो आगे चल के देखते हैं। ओके, बड़ी मुश्किल आते हैं इसके लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब गिरते होंगे। चलो यार आगे चलो, ऊपर ऊपर ऊपर। कैसल बहुत ऊंचा है भाई, उससे उसके मुताबिक तो बहुत ऊंचा है। ये छोटी सी बच्ची है ना, उसको तो बहुत ऊंचा लगेगा। और ऊपर से चढ़ किस तरफ से रही है? एक अजीब से रास्ते से चढ़ रही है।
तो ये कौवा क्या कर रहा है? Our hero spies another entrance. चलो इसका ब्रेक उड़ाएं. चला जा. हट जा. डरता भी नहीं है ये तो. Shoo, go on. देखो वो भी डरा रही हूँ. अच्छा वहाँ पे कौवे भी इस लगे हैं, डरते भी नहीं हैं. भाई क्या करती जा रही है, कहाँ से कहाँ जाई जा रही है? Young Lara. बस मैं इसको आगे की तरफ चलाता जा रहा हूँ और चलती जा रही है मुझे लाल. और डरी भी है बहुत ज़्यादा. जिस चीज़ का मैं डर था वही हुआ है. चलो बच गई नीचे कितने से. आगे से भी नहीं कोई टूटेंगे. जल्दी चलती चलती. चलो भाई जल्दी से इस साइड पे देखते हैं. यहाँ पे कोई रास्ता होगा जरूर. उधर कुछ नहीं. नहीं उधर नहीं, इसी साइड पे. ओहो अल्लाह अल्लाह करके तो चढ़ गई ऊपर. चलो जी अब आगे चल के देखते हैं. कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इसका. खुद ही से पता नहीं क्या क्या इतनी मुश्किल काम करी जा रही है. मैं तो छोटे होते कोई काम नहीं करता था. मैं कुछ भी नहीं करता था. ना मैं यूनिफॉर्म पहनता था खुद से, ना प्रेस करता था यूनिफॉर्म, और पानी का ग्लास तक नहीं पकड़ता था. लो भाई ये अब कोई जगह है, ठीक है, और अब हम यहाँ से जाते हैं. तो सीधे रास्ते से चली जाती, इधर से जाना जरूरी था. मगर ये इसके मिशन का हिस्सा. उसने अपने पास एक एडवेंचर बनाया था कि मुझे एक एडवेंचर करना है. एडवेंचर्स का मजा आता है. अरे ये क्या हो गया भाई, अब नीचे ना गिर जाइए यहाँ से, पता लगे कोई और ही नई चीज खुल गई है. बस हाँ सीधा सीधा सीधा. अगर इससे मैं गिरा हूँ तो क्या होगा? चलो चेक करें ना गिरा के इसको. ओ तेरी. अरे गिर नहीं रही. अरे जंप लगाओ. जंप ही नहीं लग रहा. ठीक है यहाँ पे उन्होंने इसको स्टक किया हुआ है और ये खुद से जा भी नहीं सकती उधर. बस हमें सीधा चलाना है इसको. चलो ठीक हो गया. वो रास्ता है, इसने उस जगह पर जाना है. हम इसकी इतनी हेल्प करेंगे कि हम इसको आगे के लेके जाते रहेंगे. चलो इतनी मुश्किलात से गुजर के आ गई है तो ये क्या इसके लिए मुश्किल है? बस इस चीज की कसर रह गई थी. बच गई बच गई. मैंने आसमान से गिरा खजूर में अटका, खजूर से गिरा जमीन पे अटका. चलो जी शुक्र है कि हड्डी उड्डी बच गई इसकी. इधर ही आना था इसने, अभी तो कहीं और से आ जाती. इतनी मुश्किलात का सामना करके आई है. चलो खैर क्यों देखते हैं. अच्छा चलो इधर जाना है. लेट्स गो. ओके सो अपने पास से बनाई जा रही चीजें. अच्छा ये तो कोई चमकारे लग रही है, कोई बैट की शक्ल की. अच्छा ये क्या, यहाँ पे तो चेस पड़ी हुई है. चेस की तरह है ये सारा. 30 and 90 east. ओके 30 north and 90 east है. With light, unlock her और दो रेड कलर के. I wonder if the white queen is red. रेड कलर के तो रेड तो यही है सामने जो शील्ड नजर आ रही हैं. ठीक है और अच्छा चलो हम एक दफा देख लेते हैं सारा इसका ना. ये इसने क्या चीज मेंशन की है? बैट. बैट तो ऊपर के ऊपर जो बनी हुई है, मुझे लग रहा था कि वो बैट ही है. और ये व्हाइट क्वीन है. ठीक है और ये दो रेड है और 30 and 90 east. ओके और ये ईस्ट एंड वेस्ट बना हुआ है. ठीक है चलो लेट्स गो. देखते हैं यहाँ पे कोई कोई सारे क्लूज होंगे. ऊपर क्या है करके. ऊपर ऊपर वो एक रस्सी सी मुझे नजर आ रही है और वो पता नहीं एक लैंप सा है. ठीक है और ये ई ई करते हैं तो ओ ये तो मूव हो रहे हैं. ओ छोड़ दे भाई. चलो भाई आगे देखते हैं ये क्या चीज़ है. ओ I bet the poor thing could hardly see out of that channel. ओ ये कुछ चीज लग रही है मुझे. You know ये pendulum सा कोई. और इस पे कुछ numbers लिखे हुए हैं. वो क्या था? 30 E 30 E
इसको चलो घुमाते हैं, इसको आगे की तरफ, नहीं आगे की तरफ, आगे की तरफ कहाँ है, 30 N, हाँ 90 E था, ओके लीव इट, और इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से 15 E, 30 E, ओके करते जाओ मूव, करते जाओ, आई डिड इट, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। ओए कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी सी बीबी, दीदी बीटी तबे बीबी, चलो आगे चलते हैं। ओके सबसे पहले तो हमें इनको साइडों पे करते हैं और इसको रेड वालों को वहां पे टेस्ट करके चेक करते हैं। ओके इसको हम लेके जाते हैं आगे। ओके और ये दरमियान में कहां से आ टपका है, उसको लेकर आना है इधर, इसका क्रिटिकल थोड़ा सा क्रिटिकल है कंट्रोल। अच्छा इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा रास्ता ही बनाना है हमने। ओके अब हम इस वाले रेड वाले को, हमारा रास्ता बन गया है। तो यार वो दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, ये इसको हटाओ यार, मुझे लग रहा है कि ये रेड वाले वो वाले एजेस के साथ लगने हैं। चलो यार इसको चेक करते हैं, पहले हम इसको यहाँ पे फ्रंट पे करके देखते हैं। असल में बनता तो ये है रेड रेड के सामने और वो वाइट वाला भी, वाइट वाले के सामने भी रेड। अब दिया वो उन्होंने इस तरह दिया कुछ, तो क्या करें, अब क्या सोच रही हो? Need to find the white queen. हाँ ये सीढ़ी और वो जैक, वो क्या है ऊपर, वो रस्सी सी है। Let's go. Croft has entered the forbidden mess of Yatiri, a South American healer. कितना खौफनाक सी शक्ल है इसकी, ये साउथ अफ्रीकन या कोई साउथ अमेरिकन कोई हीलर है उनका कोई पुराना, और ये टीरेक्स है, ट्रायनोसोरस रेक्स, ट्रायनोसोर या टीरेक्स, ट्रायनोसोर्स हो गए। ओके और हम सब भाग गए, और ये देखो ये कोई पता नहीं क्या आर्टिफैक्ट्स हैं, कोई पता नहीं क्या से नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है ये कोई बुत से कोई चीज़ है। चलो खैर आगे चलते हैं, और ये तो कोई वेपनरी है, इसको वेपनरी मिल गया ना, the conquistadors wore during the age of discovery. बहुत पुराना है। I wonder what they found. क्या चीज़ है, इतने बड़े शेर, उफ। चलो खैर अबे ये क्या है, ये चेक करते हैं इसको मिलती है। An African tribal mask. बस ये इसके फादर ने चीजें इकट्ठी की हुई है, चीजें जितनी भी सारी ना। ओके अब क्या करते हैं, नहीं लो बैट ही है, पूरी फुल बैट है, और वो लाइट्स हैं, कुछ होगा देखा। ओ वाइट क्वीन, वाइट क्वीन आजाद हो गई। ओके अब वाइट क्वीन ये यहाँ से कुछ जंप लगा सकते हैं उसको, शिट जंप लगाए मर ना जाए, ओ नहीं ओके गुड खुद ही पकड़ लिया उसने। अच्छा पास उन्होंने सीढ़ियाँ में रखी हुई ताकि ना फौरी तौर पर उतर जाए। अच्छा अब ये फिर भी कैद हुई है, अच्छा हम इसको थोड़ा सा घुमा के देखते हैं, इसको घुमाएंगे तो वो आज़ाद हो जाएगी, आई नो और कुछ ना कुछ होगा। चलो सीढ़ियाँ हटा दी हमने, अब हम आगे चलते हैं, कोई और तो नहीं आ रहा इसके। ये लाइट्स, ये लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट, वो रेड लाइट, वो रेड लाइट वहाँ से आ रही है, वहाँ से और ये सेंटर में इसको बिल्कुल, वाह देख रहे हैं। ओके अच्छा अब हम स्क्रीन को भी मूव करेंगे, अनलॉक हर लव्स रिलीज, ओके भाई ले चलो इसको भी, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, कुछ अनलॉक होने लगा है गाइस। और लो एक रूम है, चलो चल के देखते हैं। ये असल में अपने बेडरूम में जाने की कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से, कोई उल्टे रास्ते से, मतलब एक सीधा रास्ता था और ये खिड़की से निकल रही है। लो जी ओ इसकी मदर का रूम है, ये वहाँ पे सारी इसकी आर्ट गैलरीज और चीज़ें जो भी सारा कुछ उसकी माँ ने जो चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं, जो उसकी मॉम ने सारा कुछ डिज़ाइन किया हुआ था, ठीक है, और उसके सारी चीज़ें हम इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। ओह स्टोरी सुना रहे हैं उसको, उसको पता था सारा कुछ इस चीज़ों का, उसे पहले हर चीज़ का पता था।
वो उसको स्टोरी सुना रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो सोच रही है कि यार ये मुझे हर चीज़ का पता तो है, ये अभी मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को सारी चीज़ों का पहले से ही पता होता है। उसने अपनी मदर की और अपनी और टी रेक्स की जो उसकी तस्वीर डिज़ाइन की है, पेंटर भी है। असल में इसकी मदर जो सी है वो पेंटर है, और ये सोच रही है साथ साथ। और उसके फादर नहीं थे उस तस्वीर के अंदर, यू नो, तुम लोगों ने कुछ ये नोट किया? उसके फादर नहीं थे। और ये कोई बड़ी एंशियंट इशू है, और पीछे लड़ाई हो रही है, उसके पेरेंट्स मेरा ख्याल लड़ रहे हैं। कह रही है कि तुम्हारा काम और तुम्हारा पागलपन जो सा है वो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, और तुम अपने बेटी का बचपन जो सा है वो ज़ाया कर रहे हो। इसी चीज़ से लड़ रही है कि तुम हमें टाइम नहीं देते। मगर फादर क्यों काम करते हैं? फादर इसलिए काम करते हैं कि अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, ठीक है, और अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं। वो लड़ रहे थे पीछे से, उसको आवाज़ें आ रही थी, और उसने मेरा ख्याल है कि उसने शूट कर लिया अपने आप को। उसने कहा छुट्टी, आज़ादी चाहिए मुझे, छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। और उसने आराम से मीठी गोली खा ली है, नींद की गोली। थम फिनिश, चलो भैया आगे चलो। अच्छा, इस तरह से इसके फादर की डेथ होगी और ये अकेली रहेगी दुनिया में। बट इसकी मदर के साथ क्या हुआ वो नहीं बता देगा। सो रही थी, ख्वाब देख रही है, ये ऐसे ही सोती है और ख्वाब देखती है, अपने पेरेंट्स को देखती है, बातें याद करती है, अपने स्किल्स को रिमाइंड करती है। चल यार, हमने नहीं बातें सुननी थी। ऑलराइट गाइस, सो हम लोगों ने आज लारा क्रॉफ्ट का बचपन देखा, ठीक है, और वो कितनी शरारती होती थी, इतना मजा करती थी, ठीक है, वो उसने बहुत एडवेंचर्स किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके चलूंगा कि नेक्स्ट में क्या होने जा रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या होने जा रहा है। ओके, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया होगा, माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट एपिसोड किसी और गेम का हो, चूचू चार्ल्स भी हो सकती है, ठीक है, ग्रैनी का भी एक नया वर्जन हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून, बाय बाय।